फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी टेक न्यूज। सो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके लिए लेके आए कि इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में आप देख पाएंगे किस तरह से आप अपना एंड्रॉइड फोन का कीबोर्ड में लगा सकते हैं अपना फोटो। तो ये फोटो लगाने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जरूरत नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये काम करने के लिए आपको जस्ट आपका मोबाइल का सेटिंग में जाके थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। और अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपना मोबाइल के सेटिंग में जाइए और यहाँ पे इस तरह से सभी सेटिंग आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है लैंग्वेज एंड इनपुट। तो ये अलग अलग मोबाइल से ये अलग अलग तरीके से आपको दिख जाएगा। तो मेरा जो मोबाइल है, तो इस ऑप्शन पर जाने के लिए मुझे फर्स्ट सिलेक्ट करना है एडिशनल सेटिंग। तो यहाँ पे मुझे मिल गया कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। तो अलग अलग मोबाइल से या अलग अलग नाम से हो सकते हैं, हो सकते हैं आपका मोबाइल में होगा लैंग्वेज एंड इनपुट मेथड। तो इस स्टेज में जाके आपको कीबोर्ड सिलेक्ट करना है। तो आपका मोबाइल में यह हो सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड, हो सकते हैं गूगल कीबोर्ड, जो भी कीबोर्ड है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरी यहाँ पर जो भी कीबोर्ड है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है थीम। अभी सबके ऊपर जो प्लस सिंबल आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे अभी अपना मोबाइल का गैलरी में, और गैलरी से कोई भी फोटो आप चूज कर सकते हैं अपना मोबाइल का कीपैड के लिए। अदरवाइज अगर आप कोई भी कलर चूज करना चाहते हैं, तो नीचे बहुत सारे कलर दिया हुआ है, वहां से भी आप अपना कीपैड का कलर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी फोटो चूज करके इस तरह से अपने कीपैड के लिए उसे एडजस्ट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट करने के बाद ऊपर में जो ब्राइटनेस का फीचर्स दिया हुआ है, उसे आप यूज करके फोटो का जो ब्राइटनेस ये कम ज्यादा आप करके अपना कीपैड के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा जो फोटो है, ये मेरा कीबोर्ड में सक्सेसफुली फिट हो गया। तो आप भी इस तरह से कोई भी फोटो को अपना कीबोर्ड में आप सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सेटिंग्स। तो ये काम करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।